हाय गाइज, सैफ अली हियर। आज मैं बात करने वाला हूँ डेफिनेशन ऑफ होटल, स्टडी ऑफ होटल एंड टाइप ऑफ होटल बाय लोकेशन के बारे में। दोस्तों, आपको पता है दुनिया का सबसे पहला होटल का नाम क्या है? दुनिया का सबसे पहला होटल है एक्सटर, जो इंग्लैंड में 1768 में बनाया गया था। तो आपको पता है इंडिया का सबसे पहला होटल कहाँ बनाया गया था, उसका नाम क्या है, कब बनाया गया था? दोस्तों, इंडिया का सबसे पहला होटल है स्पेंसर, जो कलकत्ता में बनाया गया था 1830 साल में। ओनली ये दोस्तों इंडिया का नहीं, ये एशिया का सबसे पहला होटल है। नंबर थ्री, जब हम कहीं जाते हैं हमें क्वेश्चन किया जाता है होटल का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों, होटल का फुल फॉर्म है हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन टूरिज्म एंजॉय लाइफ। अभी हम बात करेंगे टाइप ऑफ होटल बाय लोकेशन में होटल कितना तरीके का होता है। गाइज, 9 टाइप ऑफ होटल होता है। नंबर 1 डाउनटाउन होटल, नंबर 2 रिजॉर्ट, नंबर 3 मोटेल, नंबर 4 फ्रोटेल, नंबर 5 सबर्बन होटल, नंबर 6 एयरपोर्ट होटल, नंबर 7 फॉरेस्ट होटल, नंबर 8 होटल, नंबर 9 रोट। गाइज, नंबर 1 डाउनटाउन होटल। डाउनटाउन होटल हम किसको कहते हैं? गाइज, डाउनटाउन होटल इज बेसिकली सिटी के अंदर होता है, जहाँ पे सब सुविधा पाया जाता है। लाइक आपका शॉपिंग मॉल हो वहाँ पे, सिनेमा हॉल हो वहाँ पे, वहाँ पे कुछ बिजनेस का सुविधा हो, वहाँ पे जो होटल होता है उसको हम डाउनटाउन होटल कहते हैं। गाइज, नंबर सेकेंड में आता है रिजॉर्ट। रिजॉर्ट बेसिकली सिटी के अंदर होता नहीं, क्योंकि सिटी में इतना जगह होता नहीं। ये रिजॉर्ट के लिए बहुत जगह का जरूरत पड़ता है, बहुत बड़ा एरिया लेके रिजॉर्ट बनता है, क्योंकि इसमें जगह क्यों लगता है, इसमें दोस्तों प्ले ग्राउंड होते हैं, लाइक क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, गोल्फ का ग्राउंड होता है। इसमें वाटर पार्क होते हैं दोस्तों, इसमें स्विमिंग पूल होते हैं। स्विमिंग पूल दोस्तों एक तो नहीं, बहुत सारा स्विमिंग पूल होते हैं उसमें। और जो ये रिजॉर्ट का जो रूम होता है दोस्तों, ये रूम फ्लोर के हिसाब से नहीं होता, एक लाइक विला का तरह होता है। और एक रूम का अंदर ही पर्सनल स्विमिंग पूल भी होता है, छोटा स्विमिंग पूल होता है उसमें। बाथटब नहीं दोस्तों, बाथटब का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, स्विमिंग पूल, छोटा स्विमिंग पूल होता है पर्सनल रूम का अंदर। एंड उसमें किचन भी होता है, जो स्वीट रूम्स होता है रिजॉर्ट का अंदर, उसमें किचन भी होता है, जो कस्टमर खुद बना के खाए और जाने का टाइम बिल पे करे। गाइज, नंबर 3 मोटेल। मोटेल हम किसको कहते हैं? मोटेल हम बेसिकली उसी को कहते हैं जो हाईवे के बाजू में होता है, जहाँ पे खाने का सुविधा होता है, लाइक रेस्टोरेंट होते हैं, जिसमें रहने के लिए रूम्स होते हैं, व उसका बाजू में कोई पेट्रोल पंप हो, तो उसको हम मोटेल कहते हैं। नंबर 4 दोस्तों, फ्लोटेल होटल। फ्लोटेल होटल किसको कहते हैं? फ्लोटेल होटल मीन्स क्रूज। गाइज, नंबर 5 सबर्बन होटल। सबर्बन होटल हम किसको कहते हैं? सबर्बन होटल बेसिकली आउट ऑफ सिटी होता है, जहाँ पे शांत एंड स्थिर वातावरण होता है। गाइज, नंबर 6 एयरपोर्ट होटल। एयरपोर्ट होटल बेसिकली एयरपोर्ट का बाजू में होता है, जो एरोप्लेन में सफर करने वाला यात्री को सुविधा के लिए एयरपोर्ट होटल बनाया जाता है। गाइज, नंबर 7 फॉरेस्ट होटल। फॉरेस्ट होटल बेसिकली जंगलों के बीच में होता है, जहाँ पे किसी के पास समय का कोई कमी नहीं है, वो फॉरेस्ट होटल में जाते हैं एंड टाइम बिता के आते हैं। नंबर 8 दोस्तों, बोटेल। बोटेल बेसिकली बोट एंड नाव में होता है, जहाँ पे रूम्स होते हैं, खाने के लिए रेस्टोरेंट होते हैं, पानी में तैरने का टाइम फैसिलिटी मिलते हैं, सब फैसिलिटी मिलते हैं, उसको हम बोटेल कहते हैं। बेसिकली बोटेल दिखाया जाता है कश्मीर में एंड केरला में। गाइस, नंबर 9 एंड लास्ट है ए रोटेल। रोटेल बेसिकली जो रोड पे जाते हुए, जिसमें हम सभी फैसिलिटी उठा सकते हैं, लाइक खा सकते हैं, सो सकते हैं, लाइक लग्जरी बसेस एंड ट्रेन हो गया, उनको हम रोटेल कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।